अगर मैं ऐसी बात नहीं कि नहीं लिखा गया था, लिखा गया था, लेकिन खाली लिखा जाना ही पर्याप्त नहीं होता है। जब हम उसको नहीं समझ सकेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें गलती आ जाएगी। अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो जैसे एक और एक में शब्द में गलती आ गई, नहीं समझ पाए, शून्य में गलती आ गई, शून्य को हम अलग संदर्भ में समझ लिए, तो जिन लोगों ने अलग समझ लिया उन लोगों ने अपना एक अलग साहित्य बना दिया, अलग पंथ बन गए, अलग अनुयायी बन गया। सब चीज का निचोड़े सत्य सत्य का कहना वैसा पुस्तक बोल सकता है। वैसा पुस्तक क्या, वैसा वाक्य बन सकता है? पुस्तक की जरूरत ही नहीं, पुस्तक चाहिए जो सत्य को एकदम सत्य को बस बता तो दिए, बस उतना ही है सत्य, उतना ही है अनंत और एक में। अब ये इतना ही है, अब इसको तुम पुस्तक में बनाओ या जो भी में बनाओ, बस इतना ही फाइनल है। यही जो है पुस्तक है, यानी वास्तव में सत्य को इसी में कहा जा सकता है। सत्य को कहा गया है तो हम सत्य की परिभाषा समझाते हैं, हाँ मंत्र के अर्थ में जो कहा गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये मंत्र है, ये वेद का मंत्र है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यही सत्य की पोथी है, इसमें सब कुछ आ गया। अनंतम ब्रह्म यानी अनंत ब्रह्म है, यही सत्य, हाँ यही ज्ञान है। सत्य यही है कि परब्रह्म जो है वो अनंत हैं, और यही ज्ञान। के सिवा कुछ नहीं, इसी में आ गया। ये सबसे ऊंचा वाक्य है, ये सबसे ऊंचा मंत्र है। ईश्वर एक है, नहीं वो गलत है, ईश्वर एक है गलत है, ईश्वर एक में है सही। अगर ईश्वर एक है ना, गलत हो जाता है। अगर हम कहेंगे ईश्वर एक भी है तो ये सही है, अगर है की जगह हम भी लगा देंगे तो ये सही हो जाए, ईश्वर एक भी है। अगर ईश्वर एक है कहेंगे तो इसका मतलब है कि हम बाकी को ख़त्म करते हैं, जो कि ये गलत हो जाता है। एक भी है मैं बाकी को हम ख़त्म नहीं करते, तो कैसे कोई जैसा कि जिसका हम आराध्य करते हैं वो आपका मेरा सबका एक, सब प्राणियों का एक है। ईश्वर एक है अगर कहना है, ईश्वर एक है तो लोग कहें कैसे ईश्वर एक है, ईश्वर तो अनंत है। हाँ तो ईश्वर एक है का मतलब ही तो वही है ना, ईश्वर एक नहीं, माने आप जिसका आराध्य करते हैं, आप जिसका आराध्य करते हैं, मैं इसका आराध्य करता हूँ, सब एक। वह एक संदर्भ दूसरा हो जाएगा, वह तो हमारी आराधना के संदर्भ में हो जाएगा। तो इस आराधना को ही, वह हमारी आराधना का जो संदर्भ है वह उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। वह यह व्याख्या कर रहा है कि जो है उसकी हम सब लोग मिलकर हम लोग आराधना कर रहे हैं, हम लोग जिसकी आराधना कर रहे हैं वह एक जैसा है, बस इससे यह निकलता है। लेकिन अगर हम कहते हैं ईश्वर एक है तो उसका यह भी एक अर्थ निकलता है कि हम उसको एक संख्या में बांध रहे हैं कि वह एक की संख्या में है, उसका एक अर्थ यह भी निकलता है। हाँ एक अर्थ तो यह भी निकलता है जो तुम कह रहे हो कि हम जो जिसकी पूजा करते हैं उसकी पूजा आप कर रहे हो, उसकी पूजा ये कर रहे हैं, उस अर्थ में कहते हैं कि ईश्वर एक है, एक अर्थ यह निकलता है। हाँ ये एक अर्थ निकलता है यह, लेकिन एक अर्थ निकलता है ना, ये एकमात्र अर्थ नहीं निकलता है। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि ईश्वर जो है वह संख्या एक है। ये जो हम बोल रहे हैं, यह जो बोल रहे हैं ना, तो उस दृष्टिकोण से आपको सही है, इस दृष्टिकोण से देख रहे तो यह भी पूरा सही नहीं है। क्यों सही सही है बताते हैं कि जो वह ईश्वर है उसकी आराधना आप कर रहे हैं, लेकिन हम किसी और की आराधना कर रहे हैं, तब आपका ईश्वर के संदर्भ में जो कंसेप्ट है मैं उसकी आराधना नहीं कर रहा हूं, तब फिर तो ये गलत हो जाएगा ना। आपने ईश्वर के सिद्धांत जो बना रखे हैं, ईश्वर ऐसे ऐसे हैं, मैं उस सिद्धांत की नहीं पूजा करके मैं एक अलग ही सिद्धांत पूजा कर रहा हूं, मैं पेड़ को ही मान रहा हूं ईश्वर और पूजा कर रहा हूं, तो मेरी यह हुआ है। तो मेरा यह जो सिद्धांत है कि पेड़ ही ईश्वर है, हमारा एकमात्र, और वह जो है
वो अलग मान रहा है। मैं उसी को उपहार है ईश्वर। तो फिर नहीं, तो फिर एक नहीं रह गया, फिर एक नहीं ना हुआ। आपने जो ईश्वर का सिद्धांत बना रखा था, जिसे आपने ईश्वर मान लिया, हमने मान लिया, एक कहाँ एक नहीं ना हुआ, फिर अलग हो गया, कुत्ता अलग हो गया ना, विभिन्न प्रकार के हो गए ना। उसकी व्याख्या भी तो एक होनी चाहिए, परिभाषा भी एक होनी चाहिए। जिससे की परिभाषा अलग है, पेड़ की परिभाषा अलग है, सबकी परिभाषा अलग हो गई ना। बिल्ली की अलग हो गई, पेड़ की अलग हो गई, जीव की अलग हो गई, उसकी परिभाषा अलग हो गई ना। लेकिन उस सत्यता तो यही ना कि सब एक, इसीलिए ने कहा गया कि इसको अनंत है। उसका सत्य कहीं नहीं कि सब एक, एक नहीं हो रहा है ना, एक सिद्ध नहीं हो रहा है ना। अनंत तो सिद्ध हो रहा है, अनंत है, एक मेव सिद्ध हो रहा है, अनंत सिद्ध, एक नहीं हो रहा है सिद्ध। एक कैसे सिद्ध करेंगे? अच्छा, एक में और, एक में और क्या क्या त्रुटि है बताता हूँ। एक एक तो यह है कि यह दशमलव को व्यक्त नहीं कर रहा है, इसे दशमलव का कोई वो नहीं निकल पा रहा है, एक ये गलती हो जा रही है, यानी फ्रैक्शन, यानी छोटे छोटे कणों का वर्णन नहीं आ पा रहा है। दूसरा है कि एक को हम विभाजित भी कर सकते हैं, फिर ये पूर्ण कहाँ रहा? ये तो खुद ही बदलने वाली चीज़ हो गई, ये तो खुद ही बदलने वाली चीज़ हो गई, तो ये शाश्वत कहाँ हुआ? ये तो खुद बदल रही है, इसको हम एक तोड़ करके एक बटे दो, एक बटे तीन, एक बटे चार, एक बटे पाँच में कर दें, लेकिन हम अनंत को, अनंत को क्या कर सकते हैं? अनंत को आप नहीं बांट सकते, अनंत को कुछ आप नहीं कर सकते ना। अनंत तो जैसा है वैसा ही रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ना जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुना कर सकते हैं, ना भाग दे सकते हैं, ना स्क्वायर करेंगे, ना क्यूब रूट करेंगे, ना स्क्वायर रूट करेंगे, कोई रूट नहीं कर सकते। अनंत का कोई रूप होगा ना, अनंत कहाँ जाएगा? अनंत का कोई एक जगह होगा ना, ठहरा होगा ना अनंत का? नहीं, ठहरा का क्या मतलब? ठहरा ठहरा का मतलब तो हो गया कि यहाँ तक है, इसके बाद कोई दूसरा है? अनंत बधा नहीं है, अनंत का विस्तार है ना भाई, अनंत का विस्तार है, वो बधा नहीं है। अगर अनंत, अगर वो, तब वो अनंत नहीं रह जाएगा, अनंत नहीं रह पाएगा। अगर वो एक जगह रुका हुआ है, इसका मतलब हो गया कि वो रुका हुआ चीज़ है, तो जो रुकी हुई चीज़ हो जाएगी, तो फिर वो अनंत कैसे हो गई? तो अनंत उसको कैसे, किस चीज़ से पैसे नापा गया कि अनंत, कैसे पता चला कि अनंत भाई नहीं अनंत? मतलब उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक, अच्छा उसका लॉजिक क्या है, ये पूछना चाह रहे हो ना? हाँ। किस लॉजिक से हम मानेंगे कि अनंत है? अनंत इस अर्थ में पूछना चाह रहे हो? तो ऐसे देखो, इसको दो तीन तरह से समझाते थे। सही बात है। तो पहले अंत का, ये पहले अंत की परिभाषा, अनंत की परिभाषा देखते हैं। और अंत की, अंत का मतलब होता है कोई चीज़ यहाँ ख़त्म हो जाती है, और अनंत का मतलब होता है कोई चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होती। हाँ, अनंत का मतलब ये हो गया, ख़त्म नहीं होता। अंत का मतलब होता है जो ख़त्म हो जाती है। अब कोई भी चीज़ है, जैसे कि मान लो कि यह एक कटोरी जो है, तो यह कटोरी जो है यहाँ ख़त्म हो जाती है और यहाँ से ये शुरू हो जाती है। इसको इस अर्थ में देखिए कि यह शुरू वहाँ से होती है जहाँ से ये ख़त्म होती है, यह जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से यह शुरू हो जाती है, यानी इनके ख़त्म होने का इससे संबंध है, इसके शुरू होने का। भारत की सीमा जहाँ ख़त्म हो जाएगी, वहीं से पाकिस्तान की सीमा शुरू होगी, और भारत की सीमा जब ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब है वहाँ किसी न किसी की सीमा शुरू हो रही है, और पाकिस्तान की सीमा ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वहाँ किसी न किसी की सीमा शुरू हो रही है, चाहे भारत हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे जो भी। तो अब हम क्या करते हैं कि जितने भी चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं, हाँ, मतलब व्यवहारिक अर्थ में देखते हैं और कल्पना अर्थ में, दोनों अर्थ में देखेंगे। पहले हम व्यवहारिक अर्थ में भी देखते हैं। ये वैज्ञानिकों सामने भी प्रश्न आया है ना, वैज्ञानिकों सामने भी ये प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, कि अब यह जो है, जैसे ये पृथ्वी है वहाँ ख़त्म हो गई, तो पृथ्वी ख़त्म होने के बाद क्या हुआ भाई? कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो तर्क यही कहता है कि कोई चीज़ तभी ख़त्म होती है जब कोई चीज़ शुरू होती है, नहीं तो कोई चीज़ ख़त्म हो ही नहीं सकती। कोई ऐसी चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि कोई चीज़ शुरू ना हो जाए दूसरी, अन्यथा कोई ख़त्म नहीं हो सकती। कोई शुरू हुई है तभी कोई ख़त्म हुई है, और कोई ख़त्म हुई है इसका मतलब है कोई चीज़ शुरू होगी ही होगी, अन्यथा वो ख़त्म भी नहीं हो सकती। तो अब जैसे ये पृथ्वी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर कुछ शुरू हो जाता है, जैसे कि अंतरिक्ष शुरू हो गया। हाँ, अब वो अंतरिक्ष जहाँ तक जैसे भी गया, वहाँ फिर कोई दूसरा पिंड शुरू हो गया, फिर वो पिंड जहाँ खड़े तारा शुरू हो गए, ग्रह शुरू हो गए, नक्षत्र शुरू हो गए। हाँ, या अगर हम इसको छोटे में तोड़ेंगे तो फिर जो है छोटे छोटे कण हो गए, छोटे छोटे वस्तु हो गए, वस्तु तोड़ेंगे कण हो गए, कण हो गए तोड़े बहुत सारे अणु परमाणु हो गए, उनको तोड़ते गए तो वो क्वार्क, ये सब मिलते चले गए,
और उसकी श्रृंखला जो है कहीं ख़त्म नहीं हो पा रही, क्योंकि हम जब तोड़ेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, वहाँ कुछ है तभी वो टूट रही है, नहीं तो वो ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह से जब हम सोचते जाएंगे, सोचते जाओ कि ये कहाँ ख़त्म होगी, तो मान लो कि हम ये कल्पना कर लें कि यहाँ ख़त्म हो रही है, तो यहाँ ख़त्म हो रही है इसका मतलब फिर यहाँ से कुछ है, तो यानी यह जो सीरीज है इस सीरीज का कहीं अंत नहीं, यह जो श्रृंखला है इस श्रृंखला का कहीं अंत नहीं कर पा रहे, क्योंकि जहाँ अंत कर रहे हैं वहाँ से फिर कोई चीज़ की शुरू होगी तभी ये अंत कर रहा है, तो फिर वो जो शुरू हुई फिर वहाँ, अगर हम सोचते सोचते भी इसका अंत नहीं कर पा रहे, इससे यह प्रमाणित होता है कि यह अनंत है। हम अभी परमात्मा को छोड़ दिए हैं, हम लोग खाली देख रहे हैं इस अस्तित्व का, परमात्मा को पूछ रहे हैं, ठीक है पूछ रहे हो, अभी हम लोग परमात्मा की बात छोड़ दिए, अभी हम लोग अंत और अनंत की बात कर रहे थे। अंत और अनंत समझ में आ गया ना, तो अंत और अनंत जब समझ में आ गया तब हम लोग को ये समझना है कि उस अनंत का क्या नाम देंगे। अब हम लोग के सामने ये सिद्ध या प्रश्न आ जाता है, अनंत तो सिद्ध हो गया, हाँ अब इसको हम गणित से भी सिद्ध कर सकते हैं, जिस संख्या को कितनी भी बढ़ाओ तुम अंत नहीं कर सकते संख्या, या नहीं कर सकते कि यही संख्या अंत है इसके बाद आप कोई संख्या नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसी कोई संख्या नहीं लिख सकते इसके बाद तुम कोई संख्या नहीं लिख सकते, या कोई संख्या नहीं रहती हो, ना ऐसी संख्या घटा सकते हैं, ना ऐसी संख्या बढ़ा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, हर संख्या के बीच में भी अनंत संख्या है, जैसे एक और दो के बीच में अनंत संख्या है, ऐसा नहीं है कि एक के बाद दो आ जाता है, ऐसा नहीं होता है, एक के बाद अनंत संख्या है, उनको हम छोड़ देते हैं बस सहूलियत के लिए, एक के बाद दो में चले जाते हैं, दो के बाद तीन में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है एक के बाद दो आता है, ऐसा नहीं होता है, वो अनंत संख्या है, 1.1, 1.12, 1.1 संख्या की कोई कमी नहीं रहेगी, तो घटाते जाओगे तब भी बढ़ाते जाओगे तब भी संख्या का अंत नहीं कर पाते, मैथमेटिक्स से भी, मैथमेटिक्स साइंस की भाषा है, मैथमेटिक्स से भी हम अंत नहीं करते हैं, और मैथमेटिक्स इसीलिए है क्योंकि बाहर जितने भी तत्व हैं उनको हम, उसको हम समझ सकें, उनके बीच के जो संबंध हैं उसको समझ सकें, उसको बता सकें, तो गणित से, विज्ञान से और व्यवहार से प्रैक्टिकल करके भी अब देखा जाता है कि हम किसी चीज़ का अंत नहीं कर पाते हैं, जिसका अंत करते हैं फिर वो चीज़ दूसरी शुरू होती है, उसका करते हैं फिर वो शुरू होती है, कुछ ना कुछ शुरू होती ही रहती है, तो जब हम कोई चीज़ ख़त्म होगी तो शुरू होगी कोई चीज़, तभी ख़त्म होगी, तो इस लॉजिक के हिसाब से ये अस्तित्व अनंत सिद्ध होता है, विस्तार में भी सूक्ष्मता में भी दोनों में। अब जब दोनों तरफ से ये सूक्ष्मता में भी और विस्तार में भी, यानी एक दो संख्या जोड़ते जाएँ तब या दशमलव में चलते जाएँ तब अनंत ही सिद्ध होगी, तो जब ये अनंत सिद्ध हो गई तो अब इसके नाम की बात आ गई, एक दूसरा इसको भीतर से महसूस करने की बात आ गई, ये दो चीज़ें, नाम की बात आ गई, तो नाम कोई इसको सिर्फ अनंत कह सकता है, या कोई इसको सिर्फ अस्तित्व कह सकता है, या कुछ लोगों ने इसे परमात्मा कह दिया जो परमात्मा की बात हुई। अब परमात्मा जिन लोगों ने कहा है और जिन लोगों ने इसे सिर्फ अस्तित्व कहा है उनमें क्या फ़र्क है, सिर्फ इसकी बात आ रही है। तो जिन लोगों ने इसे तर्क से समझ लिया कि यह अनंत है, वैज्ञानिकों ने भी समझ लिया कि अनंत है, हाँ, और गणित से भी समझ लिया, लेकिन वे जो संतों ने समझा है उनकी बराबरी नहीं कर सकते, ये समझने के बावजूद क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जो समझा, इन्होंने तर्क से समझा, माइंड से समझा, हाँ, मैथमेटिक्स से समझा, और अपने भीतर इसको फील करके नहीं समझा, महसूस करके नहीं समझा, तो अब अच्छा दूसरा बात, इन्होंने सिर्फ विस्तार को समझा और विस्तार को समझा देखा, लेकिन इन लोगों ने इनके गुणों को और उस गुण का जो प्रभाव है उसको नहीं समझा, जो संत हैं उन्होंने इनके गुणों को और उनके प्रभावों को भी समझा, उसके इफ़ेक्ट को भी समझा, और समझा ही नहीं बल्कि उसको ऐसा फील किया कि उसके जीवन में बदलाव आ गया, वैज्ञानिक समझता है उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, वो उसी तरह से दुख झेल रहा है, उसी तरह पैसा के पीछे भाग रहा है, समझ तो गया है, उसी तरह से पैसा के पीछे भाग रहा है, हताश है, निराश है, यानी उसके जीवन में रूपांतरण नहीं हुआ, वो समझा तो जरूर कि यह जो अस्तित्व है अनंत है, उसने समझ लिया, एक मैथमेटिशियन भी समझ जाता है, एक वैज्ञानिक भी समझ जाता है, लेकिन एक संत ने जो समझा है, संत ने उसको फील किया, खाली विचार से नहीं समझा बल्कि उसको महसूस किया,
उन तत्वों को महसूस किया जो अनंत तक उसको ले जाते हैं, और उन तत्वों को महसूस किया और उनके प्रभावों को महसूस किया, और महसूस करके उसको रसपान भी किया, यानी गुड़ के बारे में खाली सुना नहीं, गुड़ को खाया भी, चखा भी, महसूस भी किया। इसीलिए उसके जीवन में परिवर्तन आ गया और अब वो जो है, अब वो अपना मस्ती में है, और उसके भीतर में अगर रासायनिक परिवर्तन देखा जाएगा। इसीलिए संतों के दिमाग का जो केमिकल टेस्ट किया गया, मैं केमिकल टेस्ट की बात कर रहा हूँ प्रमाण के लिए, संतों के दिमाग का जो केमिकल टेस्ट किया गया तो उसमें एंडोर्फिन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई। एंडोर्फिन वो हार्मोन होता है जो कि हम लोगों को मस्ती देता है, हाँ, इसके कारण हम लोग आनंदित होते हैं। जैसे सेक्स की चरम सीमा पर जो घटना घटती है जिसमें, उसमें एंडोर्फिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, तो वह मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई। जो व्यक्ति ध्यान में बैठता है मात्र 15 मिनट बैठता है तो उसके भीतर में भी पता चला कि जो सामान्य व्यक्ति हैं उससे जो है 25% एंडोर्फिन बढ़ गया एक दिन के मात्र करने से। तो इतना से एंडोर्फिन बढ़ जाता है उसके दिमाग में, ये रासायनिक परिवर्तन देखा गया। उनका जब उसका fMRI किया गया, जब ब्रेन स्कैनिंग की गई, तो उसमें पाया गया कि इसके दिमाग में परिवर्तन हो गया है, और परिवर्तन इस तरह से हो गया है कि अब उसके भीतर में वैसा दुख क्लेश, उसकी महत्वाकांक्षा और उसमें जो अवसाद रहते हैं वो सब नहीं, और उसका दिमाग जो है एनलाइटेंड हो गया भीतर से, हाँ, और वो शांत, हताश निराश नहीं, वो शांत है, वो अकेला वो बैठा हुआ भी नहीं। अगर उसको भूखा भी रख दिया जाएगा तो भी उसके भीतर में क्लेश उत्पन्न नहीं होगा, जबकि समान आदमी में क्लेश उत्पन्न हो जा रहा है। जो वैज्ञानिक या जो मैथमेटिशियन जो इस चीज़ को जाने हैं कि यह अस्तित्व अनंत है, उसके दिमाग में क्लेश उत्पन्न हो जा रहा है, वह अवसाद में चला जा रहा है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं जा रहा है जो संत हो गया। ये उस जो परिवर्तन आया है जीवन शैली में, ये कहाँ से आया? ये अनुभव से आया, ये मात्र विचार करने से नहीं आया। इसलिए उस अनुभव को जिन लोगों ने महसूस किया उन लोगों ने उसका नाम एक अलग नाम दिया। इसीलिए उन लोगों ने कहा कि यह परमात्मा खाली अनंत ही नहीं है, ये खाली सत्य ही नहीं है, बल्कि ये सच्चित आनंद है। उसमें आनंद शब्द जोड़ा है, वैज्ञानिक आनंद शब्द नहीं जोड़ते हैं, हाँ, वैज्ञानिक सत्य तो बोल सकता है, आनंद तो बोल सकता है, आनंद नहीं बोल सकता है, जबकि आनंद एक फील होता है, एक बात। दूसरी बात, वैज्ञानिक ब्यूटी भी नहीं जोड़ पाता है, मैथमेटिशियन ब्यूटी नहीं, मैथमेटिशियन के पास ब्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्यूटी का कॉन्सेप्ट जो है ये चित्रकारों के पास है। और तरंगों को महसूस नहीं कर सकता, तरंगों का एहसास जो है ये संगीतकारों के पास है, ये गायकों के पास है, जो ध्वनि के वेव को पहुँच फील करते हैं और उसके कारण ही वो ऐसी रचना करते बैठते हैं, वो महसूस करते हैं। वो बारीक सी भी अगर कोई त्रुटि हो जाएगी राग रागिनी में तुरंत पकड़ लेगा, वो वैज्ञानिक नहीं पकड़ सकता, उसको इंस्ट्रूमेंट देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि यहाँ फ्रीक्वेंसी कहाँ गड़बड़ाई है, उसका माइंड नहीं पकड़ सकता, जबकि उसका माइंड पकड़ ले रहा है। एक जो संगीतकार है और एक जो गायक है वो तुरंत पकड़ लेता है, यहाँ पर दोष हुआ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कुछ गड़बड़ाई, इसके कारण के राग टूट गया, और उसी चीज़ को, उसी गाने में जो त्रुटि हुई है उस तरह की, उस त्रुटि को पकड़ने के लिए साइंटिस्टों को इंस्ट्रूमेंट से चेक करना पड़ेगा, उसको वो फ्रीक्वेंसी का मीटर लाना पड़ेगा देखने के लिए कि कहाँ भाई इसका फ्रीक्वेंसी कहाँ गड़बड़ाया था। लेकिन इसके भीतर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने उसको ऐसा तप किया है, उसने उस पर तप किया, उसको फील किया, महसूस किया, इसलिए वो पकड़ लेता है तुरंत। तो ये जो संत हैं इन्होंने आनंद को पकड़ लिया जो साइंटिस्ट नहीं पकड़ पाए। और दूसरी बात है कि इन लोगों ने रूप को पकड़ लिया, उसकी ब्यूटी सुंदरता को पकड़ लिया। सुंदरता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसको चित्रकार पकड़ता है, मूर्तिकार पकड़ता है, सामान्य आदमी के बस का नहीं है कि पकड़ ले। सामान्य आदमी उसे सराह तो सकता है कि हाँ अरे बड़ा सुंदर बनाया है, लेकिन क्या वो बना सकता है वैसा? उसने बनाया है, क्यों बनाया है? क्योंकि उसने उस ब्यूटी की उस बारीकियों को पकड़ा है, समझा है। इसीलिए सत्य के साथ शिव और सुंदर भी लगाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक है तो निश्चित ही सुंदर होगा। तो जिसने अनंत को जाना उसको सुंदर होना चाहिए। वैज्ञानिक सुंदर नहीं हो पाता, मैथमेटिशियन सुंदर नहीं हो पाता, सब सुंदर होगा, सदैव सुंदर होगा, उसमें सुंदरता होगी, गुणों की सुंदरता होगी, रस की सुंदरता होगी, वो माधुर्य होगा उसमें, जो कि उनमें नहीं होगा। तो क्योंकि उन्होंने ईश्वर के उनसे दो चीज़ों को पकड़ा था, किस चीज़ को? एक अनंत को, यानी फैलाव और को पकड़ा था,
और एक उसको पकड़ा था कि वह सत्य है, हाँ, लेकिन उनके गुण को, उसके रस को, माधुर्य को, उनके भाव को, उसके ब्यूटी को इसको नहीं पकड़ पाए, उसके आनंद को, वो दुख दर्द विरह को नहीं पकड़ पाए और उसको वो फील करता है, तो ये अंतर हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्या अंतर हुआ? हाँ, तो अब तो ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से समझा, उसने कहा कि परमात्मा, उसने उस अनंत को परमात्मा शब्द से कहा। तो साइंटिस्टों का जो अनंत है और जो संतों का जो अनंत है, उसमें ये अंतर है। इसलिए संतों ने सिर्फ उसको अनंत कह के नहीं छोड़ दिया, कहा परमात्मा अनंत है, उसी अनंत को कहा है, लेकिन उसको परमात्मा शब्द दिया, अनंत उसका एक गुण बताया। यह नहीं है कि वह अनंत, सिर्फ वह अनंत ही खाली है, उसका एक गुण बताया कि उसका फैलाव भी अनंत है, उसके गुणों का भी फैलाव अनंत है, जिसको वैज्ञानिक अभी नहीं समझ पा रहा है, उसके गुणों का ही फैलाव अनंत है, उसके गुण का, रस का, माधुर का, उसके सुंदरता का, उसका हर चीज़ अनंत है, संत का ये कहना है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये सही बात, ये संत जो बोले हैं सही है। कहे कि उसका हर चीज़ अनंत है, खाली एक चीज़ नहीं, आपने सिर्फ एक चीज़ को पकड़ लिया है, वो एक चीज़ नहीं है। साइंटिस्टों ने एक चीज़ या दो चीज़ पकड़ लिया, लेकिन संत ने उसकी हर चीज़ को पकड़ लिया और कहा कि उसका हर चीज़ अनंत है, उसकी विस्तार, उसकी सूक्ष्मता, हाँ, उसका सिकुड़ना, उसका फैलना, हर चीज़ उसका अनंत है, सब चीज़ उसका अनंत है। क्योंकि अनंत होगा तो उसका हर चीज़ अनंत होना ही चाहिए, हाँ, उसकी हर चीज़ अनंत होनी चाहिए। और उस चीज़ को जब हम फील कर लेते हैं, और फील करके, और फील तब करते हैं जब उसमें लीन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे तो वे सारे गुण तत्व हमारे में भी आ जाएंगे। वैज्ञानिकों के पास भी आए हैं वे गुण, कौन से गुण आए हैं? वो सोच वाली गुण आ गए हैं, वो विचार के रूप में वो गुण आ गए, यानी ज्ञान उनका हो गया है, समृद्ध ज्ञान हो गया। इसीलिए कहा गया ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति को भगवान ने इसीलिए श्रेष्ठ बताया, क्योंकि वहाँ पर भक्ति में क्या है, हम फेल भी करते हैं, ज्ञान में तो खाली जान गए, जान जाना ही पर्याप्त नहीं है, हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको जीख सकते हैं, हम उसके सारे गुणों में हम खुद परिवर्तित हो सकते हैं, खुद हम जा सकते हैं, खुद ऐसा हो सकते हैं। तो यह अंतर है।